टोटल हरियाणा आप देख रहे हैं। बीजेपी और जसपा गठबंधन सरकार को एक महीना हो चुका है। लोगों के मुताबिक जब जसपा और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो चलना लाजमी होगा। दुष्यंत और मनोहर सरकार आने वाले समय में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत सही काम करेगी। सरकार के एक महीने के कार्यकाल को लेकर सरकार का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। रियलिटीज हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में गहन गंभीर अध्ययन मूल्यांकन और सोच और दृष्टिकोण और योजनाएं बनानी चाहिए। अब मसलन महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, अब इसको कैसे दरकिनार कर दोगे? अब जब तक रोजगार दोगे नहीं और उसके पैरेलल आप प्राइवेटाइजेशन करते करते रोजगार लोगों से छीनोगे तो आप कैसे करोगे, इसका मुकाबला कैसे करोगे धरातल पर जाके? तो वो बात लोग अपने दिल में रखते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और खूबसूरती यही होती है कि लोग अपनी शक्ति का सदुपयोग वोट के माध्यम से करते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं। हम सर्वेक्षण करते रहे। लोगों के दुख दर्द की जब तक नब्ज पे हाथ नहीं रखोगे तो होता क्या है? राजनीतिक लोग जीत जाते हैं, जीतने के बाद जिनको हम हाथ जोड़ते हैं उन लोगों को पहचानते नहीं हैं। तो जब उनके पास फिर दोबारा जाओगे वो आपको नहीं पहचानेंगे। ये तो ऐसे है, गिव एंड टेक है। आप जितनी चीनी पाओगे उतना मीठा होगा। एक महीने में कोई बहुत ज़्यादा आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि दो पार्टियां हैं और उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए जो कमेटी बनाई है अभी, वो कमेटी वो करेगी और दोनों कमेटियों के जो एजेंडे हैं वो उनको बीच में कहीं ना कहीं जाके बात वो फिक्स करेगी। अभी इस बारे में ये जल्दबाजी होगी कहना कि एक महीने में तो कुछ भी निकाल जाता। पाँच महीने में एक महीना 60वां हिस्सा है 5 साल का, तो ये बहुत अनुपात बहुत कम बनता है। इनका पुराना जो कम्बिनेशन है, क्योंकि JJP ताऊ देवीलाल के विचारधारा पर आधारित है और ताऊ देवीलाल का और बीजेपी का पुराना समझौता रहा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनके आपस में पुरानी यारी तो रही है, अंडरस्टैंडिंग भी रही है। करनी चाहिए क्योंकि इन पे ट्रस्ट किया है पब्लिक ने और हर सेक्टर ने, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर जो बूढ़े लोग हैं, जो सिटीजन हैं, ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन या जो बच्चे हैं अपने स्टूडेंट्स, उन्होंने आगे उनको कोई जॉब मिलेगी, उनको ऑक्यूपेशन मिलेगा, तो सब ने इन पे ट्रस्ट करके अब इनको वोट दिया है, तो ये करेंगे काम और इनको करना चाहिए, एथिकली इनको काम करना चाहिए। लेकिन एक महीना बहुत कम है किसी भी सरकार को जज करने के लिए कि वो भी कैसे आगे परफॉर्म करेंगे। सरकार होती है वो पहले ही थोड़ी डामाडोल होती है और दोनों सरकारों के, दोनों पार्टियों के सारे विचार मिलना तो पॉसिबल नहीं है, पर हम यही उम्मीद करते हैं कि अब इन्होंने गठबंधन कर लिया है तो ये साथ में चले। कुछ JJP के ऐसे प्रोमिसज हैं जो कि पॉसिबल नहीं है अभी आने वाले वक्त में, आगे वाले कुछ 5 सालों में या 4 सालों में तो पॉसिबल नहीं लगते, जैसे हमारी GDP चल रही है उस टाइप से, लेकिन अगर वो कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। दोनों सरकारों के वादे अलग हैं पर जो इनकी सहमति से इनका जो गठबंधन हुआ है मुझे लगता है कि वो चलेगा, क्योंकि देवीलाल जी के टाइम में भी गठबंधन चला था BJP सरकार के साथ, तो ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से वादे अलग हो सकते हैं पर दोनों की सहमति तो एक।